हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आप लोग के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है फ्रॉम द टीसीएस टीम की तरफ से। फिर जैसा कि पता होगा फ्रेंड, 23 बैच के ज्वाइनिंग्स आ रहे थे फॉर द डिजिटल रोल, बट यहाँ पर जो है फ्रेंड आप लोग के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है दैट टीसीएस joining letter out for 2023 and 22 batch of Ninja role, new ILP and date of joining 29th June 2023। and also बता दो फिर यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट जो यहाँ पर आ रही है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे जिस लोगों से मैंने बात करा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप लोग चाहो तो फिर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर भी आपको प्रॉपर अपडेट्स वगैरह अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते रहते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है बेसिकली निंजा वालों को भी ज्वाइनिंग लेटर्स के मेल तो नहीं आ रहे, कुछ लोगों से मैंने बात करा है, बट हाँ उनके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग लेटर जनरेटेड का स्टेटस शो कर गया है। मतलब आप लोग जो अपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ओपन करोगे तो वहाँ पर आप लोग देखोगे कि आपका ऑटोमेटिक जो है आपका शो करेगा ज्वाइनिंग लेटर जनरेटेड, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर पर क्लिक करना है, फिर देन आपको वहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड, जिसमें आपको बताया जाए कि आपको जो है यहाँ पर इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम विल कमेंस ऑन 29 जून 2023 एट द फॉलोइंग एड्रेस, जो कि फिर कोलकाता का एड्रेस दिया गया है। ओके, फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला आपका डाउनलोड ज्वाइनिंग लेटर, आप इसे जैसे ही डाउनलोड कर लेते हो आपका उसके बाद का स्टेटस, मतलब कि जब आपका स्टेटस शो करेगा ज्वाइनिंग लेटर जनरेटेड, आप लोग जब उस पर क्लिक करोगे देन आप लोग जब डाउनलोड कर लेते हो ये वाला और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज एंड रिक्वेस्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं कंप्लीट कर लेते हो। देन आफ्टर आपका कुछ जब आप लोग एक्सेप्ट करोगे उसके जस्ट 10 से 15 सेकंड के बाद आपका शो करेगा ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्टेड, दैट्स इट। वो आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। आप हम देखेंगे तो यहाँ मेंशन किया, मैं आपको पूरा मेल दिखा दूं तो आप लोगों को समझाएगा फ्रेंड। और बात तो यहाँ पर कोई मेल्स देखने को नहीं आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के पास डायरेक्ट उनका नेक्स्ट पोर्टल अपडेट हो रहा है। तो अभी आप लोग को इस बात से क्या समझ आता है कि आप लोग जो है अगर आप लोग मेल का वेट कर रहे हो फ्रॉम द टीसीएस टीम तो आप लोग काम करना, मेल का तो वेट करते रहना, बट कोई नहीं, बट हाँ आप लोग टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को आप लोग जो है एक सुबह में मॉर्निंग टाइम एंड नाइट टाइम एक बार जरूर विजिट करना, आफ्टर 10 PM और मॉर्निंग में आफ्टर लाइक 10 AM आप लोग विजिट जरूर करना, ठीक है। क्योंकि आपका पोर्टल काफ़ी लोग के पोर्टल अपडेट हो रहे हैं, कंपनी उसको कॉल या मेल नहीं कर रही बट उनके पोर्टल डायरेक्ट अपडेट हो जा रहे हैं। दूसरा लोकेशन देखने को मिल रहा है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर ज्वाइनिंग डेट इज TCSL, इट विल बी 29 and 23, योर ट्रेनिंग लोकेशन इज त्रिवेंद्रपुरम एंड योर वर्क लोकेशन इज न्यू दिल्ली, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड कंसिडरिंग योर प्रेफरेंस एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आपका जो भी प्रेफरेंस था लोकेशन को लेकर वो दिया जा रहा है, बट उसके साथ आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट भी TCS चेक कर रही है। दैट देखो आपका जो ILP जो है आपका जो ट्रेनिंग, मतलब ILP जो ट्रेनिंग है वो आपका लोकेशन त्रिवेंद्रपुरम है, बट आप लोग जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है देन आफ्टर यू आर गोइंग टू ज्वाइन एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय न्यू दिल्ली। तो ये डिपेंड करता है, किसी के ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग लोकेशन सेम हो सकते हैं, किसी के डिफरेंट हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपका ट्रेनिंग हो रहा है त्रिवेंद्रपुरम में तो आपका वर्क लोकेशन न्यू दिल्ली होगा, सम टाइम ये आपका डिफर भी कर सकता है। मे भी आपका त्रिवेंद्रपुरम में हुआ है लेकिन आपका ज्वाइनिंग लोकेशन आपको कोलकाता मिल गया जो कि आपका प्रेफरेंस में था भी, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो आपने प्रेफरेंस डाल रखा है वही आपका होगा, ये आपका फाइनल है, ऐसा नहीं होता। डिपेंड्स करता है कि टीसीएस टीम के बिजनेस रिक्वायरमेंट किस लोकेशन पर ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको जो है सेंड वगैरह मेल कर देगी या फिर कॉल भी आपको कर देगी, ठीक है। तो ये काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये फ्रेंड जो है निंजा रोल वालों को देखने को मिल रहा है। डिजिटल को तो ऑलरेडी तो आ ही रहे थे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट निंजा वालों को अपडेट नहीं था, दैट्स व्हाई आई गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई सब्सक्राइबर दैट सर आई गॉट माई ज्वाइनिंग लेटर आई एम फ्रॉम T2 बैच एंड निंजा रोल। ओके एंड सी, so this is the update, you can just check in your next step portal, there you will finding a join letter generated status. If you're not, then just keep refreshing this page and also please try to clear your browser cookies and cache and log in again and just check your if your status is updated or not, and not that if not then just wait for some time, because I already said you that in the month of June and July TCS most probably going to onboard most of the candidates, and please be ready with your all the documents and joining formalities and just completed all these steps whatever you're getting the mail, and if you have any doubt you can ask in comment section। और मैं टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर भी आपको जो है हर टाइम आप प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहते हैं क्योंकि आप लोग ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाना और आप लोगों को कुछ भी मन में डाउट्स है, क्वेरीज है, बीजीसी को लेकर, अनबोर्डिंग को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, ILP को लेकर, वॉट एवर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको हर डाउट को क्लियर कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।